सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हाँ तलविंदर सिंह। अज दे इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे एम एस एक्सएल बारे। एम एस एक्सएल दे विच तुसीं प्रोटेक्शन किस तरह यूज कर सकते हो। इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं तीन तरीके दसांगा जिस दे नाल तुसीं अपनी फाइल नूं प्रोटेक्ट कर सकते हो। पहला तरीका कि तुसीं अपनी फाइल नूं पासवर्ड किवें लगा सकते हो। दूसरा तरीका कि तुसीं अपनी शीट नूं प्रोटेक्ट किवें कर सकते हो। तीसरा तरीका ते तुसी अपनी वर्कबुक नूं किवें प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस दे नाल नाल मैं तुहानूं इह भी दसांगा कि तुसी एक पर्टिकुलर सैल नूं किवें लॉक या प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सो आपां वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे को एक डेटा है, फर्स्ट क्वार्टर सेल्स रिपोर्ट, जिस दे विच नेम्स जन फैबररी मार्च ये मेरे को डेटा है। सो इस डेटा दे विच मैं पहला तुहानूं दसना चाहवांगा कि इस फाइल नूं मैं पासवर्ड किवें लगा सकदा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, जस्ट ध्यान नाल वीडियो देखियो, फाइल ते क्लिक करना है। ये फाइल मेरी ऑलरेडी सेव है, तो मैं इनू फाइल दे विच जाके सेव एज करूँगा। तुसी नवी फाइल यूज कर रहे हो तो तुसी सेव ऑप्शन का यूज़ करोगे, तो सेव एज ते क्लिक करना। सेव एज ते क्लिक के बाद नेम ऑफ फाइल जो भी है तुहाडा वो तुसी दे सकते हो। मेरी फाइल का नेम है माई फाइल। उस तो बाद तुसी इत्थे टूल्स ऑप्शन ते क्लिक करना। जो तुसी टूल्स ऑप्शन ते क्लिक करोगे तो उन्हें इत्थे मिलेगा जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन से तुसी जो क्लिक करोगे इत्थे तुहानू दिखाएगा दो तरह का पासवर्ड, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। जे तो तुसी चाहुंदे हो कि थोड़ी फाइल जो ओपन होगी उस टाइम ये पासवर्ड की डिमांड करे तो तुसी पासवर्ड टू ओपन भी अप्लाई कर सकते हो। पासवर्ड टू मॉडिफाई तुसी चाहुंदे हो कि फाइल नूं मॉडिफाई भी ना कर सके तो तुसी मॉडिफाई पासवर्ड भी दे सकते हो। सो मैं सिर्फ इत्थे पासवर्ड टू ओपन ही देवांगा, मॉडिफाई भी दे सकते हो, ये तुहाडी इच्छा है। सो पासवर्ड प्लीज़ याद रखियो, पासवर्ड वो चूज़ करो जिहड़ा कि तुहानूं याद रह सके, क्योंकि अगर पासवर्ड तुसी याद ना रख सके तो इन फ्यूचर इट इज़ इनएक्सेसिबल ते तुसी यूज़ नहीं कर पाओगे। सो मैं ईजी जिहा पासवर्ड रख रहा, दैन उस तो बाद तुसी ओके ते क्लिक करो। उस तो बाद री एंटर करेगा पासवर्ड, एक बार फिर तो री एंटर करो, ओके कर दो, तो उस तो बाद तुसी सेव कर दो। ओके, सो मेरी फाइल जी ऑलरेडी सेव है तो इसलिए रिप्लेस करने की डिमांड कर रहा, मैं यस कराँगा। सो मेरी फाइल हूँ सेव हो चुकी है, मैं इस फाइल में क्लोज कर रहा। तो मैं इस फोल्ड दोबारा इस फाइल में जो ओपन करूँगा तो यह मेरे तो पासवर्ड की डिमांड करेगा। सो क्लोज किया मैं, सो तुसी देख सकते हो, यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें फाइल खोल के दिखा रहा। इस फोल्डर के मेरी वो फाइल पई है। सो ये फाइल में ओपन कर रहा, जस्ट अ मिनट, एक फाइल पहले ही ओपन सी। सो तुसी देखो ये पासवर्ड माई फाइल एक्सेलस इज प्रोटेक्टेड, तो मैं पासवर्ड भरना पड़ेगा जिहड़ा पासवर्ड मैं इसमें प्रोटेक्ट करने लिए दिता। सो पासवर्ड मैं फिल कर रहा, मैं ओके ते क्लिक किया तो तुसी देख सकते हो मेरी फाइल जिहड़ी कि मैं सेव की सी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड सी, वो खुल गई है। ठीक है, दूसरा तरीका यह होंगे कि अपने को ऑप्शनस पई होंदियां प्रोटेक्ट वर्कबुक ते प्रोटेक्ट शीट। सो प्रोटेक्ट वर्कबुक, पहला मैं गल करांगा प्रोटेक्ट वर्कबुक की, वो की हुंदा। तुसी देखो किसी भी शीट पर जो तुसी राइट क्लिक करोगे तो थोड़ा ये ऑप्शन इनेबल मिलेंगे, मूव करना, रीनेम करना, इंसर्ट कॉपी, मूव करना, वट एवर द ऑप्शन। बट मैं नहीं चाहता कि ये स्ट्रक्चर में कोई छेड़े, तो उसके लिए फीचर होंगे अपने को प्रोटेक्ट वर्कबुक। सो प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करोगे इट विल आस्क यू टू फिल द पासवर्ड। सो कोई भी पासवर्ड तुसी फिल कर सकते हो, से मैं ले रहा एक 123 या वट एवर। सो इसको जस्ट ओके करो। सो तुसी देखोगे मैं इसते राइट क्लिक कर रहा, ये सारे ऑप्शनस हुण डिसेबल हो चुके हैं क्योंकि मैं प्रोटेक्ट कर चुका अपनी वर्कबुक में, हुण ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो चुके हैं। मतलब कि ये स्ट्रक्चर में कोई भी हुण चेंज नहीं कर सकता, कोई इन्हू रीनेम नहीं कर सकता, कोई इन्हू डिलीट नहीं कर सकता, अंटिल एंड अनलेस जो उन्हें पासवर्ड अनप्रोटेक्ट लई पता ना हो। ठीक है, जो उन्हें पता पासवर्ड फिर वो कर पाएगा। सो प्रोटेक्ट वर्कबुक हो चुके हैं, दोबारा तुम इन अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे, ये फिर तो पासवर्ड मंगेगा, वो पासवर्ड तुम देवोंगे तो देखोगे तुम दोबारा तो वो ऑप्शन इनेबल हो चुकी हैं। ठीक है, और तीजी गल तुम अपनी वर्कशीट में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक तरीका तो सी कि खोलन तो पहला ही वो पासवर्ड डिमांड करे। एक तरीका यह भी होंगे फाइल खुली रहेगी लेकिन फिर भी कोई यूजर एडिट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए अपने को होंगे प्रोटेक्ट शीट। तुम प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करोगे, इतने तुम देखोगे फिर तो पासवर्ड की डिमांड कर रहा, तुम कोई भी पासवर्ड चूज कर लो।
ओके करो। सो एक बार वो री एंटर करा रहा है। सो देखो मैं कितने भी लिखने की कोशिश करूंगा तो मैंने तो मैसेज आ जाएगा द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। मतलब कि मेरे सारे सेल जेडे ने प्रोटेक्ट हो चुके हैं, कितने भी यूजर कुछ भी लिख नहीं पाएगा क्योंकि मैं अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर चुके हैं। दोबारा तुम अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो फिर तो अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करोगे, वही पासवर्ड जो अप्लाई किया भर के ओके करोगे तो यह यू आर एबल टू राइट, तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यह तो सही प्रोटेक्शन सारे सेल्स में। कई बार अपने को सिचुएशन होंगी है कि मैं चाहना कि यूजर मेरा ए वाला सेल प्रोटेक्ट रहे, ए एरिया भी प्रोटेक्ट रहे, ए एरिया भी प्रोटेक्ट रहे, लेकिन यूजर ए डेटा दे विच कुछ ना कुछ लिख पावे तो वो भी तुसी कर सकते हो। प्रोटेक्ट शीट करने तो पहला थोड़ा एक चीज़ करनी पड़ेगी, जेड़ा एरिया तुसी चाहते हो कि जिस दे विच यूजर लिख सके या जिस दे विच यूजर राइट कर सके उस एरिए नू तुसी पहला सिलेक्ट कर लेना, जिस तरह मैं हुण कर रहा। उस तो बाद तुसी राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने तो बाद इत्थे तुहानू ऑप्शन मिलेगी फॉर्मेट सेल्स। जो तुसी फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन ते क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम ले रहे ऑप्शन, उस तो बाद तुहानू इत्थे प्रोटेक्शन ऑफ टैब मिलेगा, उस ते क्लिक करो। इत्थे एक लॉक्ड चेकबॉक्स होंदा है, इहनू तुसी अनटिक कर देना, उस तो बाद ओके कर दिओ। ओके, उस तो बाद सेम फीचर जिहड़ा आपां पहला अप्लाई कीता सी प्रोटेक्ट शीट 1 2 3 4 5 में पासवर्ड दे रहे हैं, ओके कर दिओ। सो हुण तुसी देखो इत्थे मैं लिखण की कोशिश कर रहा, मैनू मैसेज आ रहा कि तुसी नहीं लिख पा रहे क्योंकि वह प्रोटेक्ट है सैल। ठीक है, इत्थे लिखण की कोशिश की फिर मैसेज आ गया, इत्थे लिखण की कोशिश की फिर मैसेज आ गया, लेकिन जब मैं इत्थे लिखण की कोशिश कर रहा तो देखो तुसी मैं लिख पा रहा। क्यों? क्योंकि ये सैल नू मैं पहला ही अनलॉक कर दिता सी प्रोटेक्ट शीट करन तो पहला, क्योंकि मैं चाहता सी कि मैं इन सैल दे विच लिख पाव, इन्हों मैं अनप्रोटेक्ट रखिया। सो यह अज की वीडियो जिस दे विच मैं तुम्हें दस्या कि तुसी प्रोटेक्शन नू एक्सल दे विच किवें यूज कर सकदे हो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो तुम्हें चंगी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके दस्यो, आप होर भी नवे नवे वीडियोज़ बनावेंगे एक्सल के उत्ते, नवे नवे तरीके तुम्हें दसागा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्लीज़ सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।